ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन और हिंसक हो गया है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद से पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उग्र होते प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट पर रोक लगा दी है। दरअसल ईरान में महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। पुलिस ने उन्हें महिलाओं के लिए ईरान के सख्त ड्रेस कोड के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि महसा की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि अमीनी के परिवार का दावा है कि महसा बिल्कुल स्वस्थ थी। पुलिस हिरासत में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। महसा अमीनी की मौत के बाद सबसे पहले कुर्दिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन लगभग पूरे ईरान में होने लगे। महिलाएं महसा अमीनी की मौत का विरोध प्रदर्शन हिजाब जलाकर जता रही हैं। ईरान में सुरक्षा बल लगातार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक ईरान में 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ईरान में हिजाब के विरोध ने अब नया मोड़ ले लिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इन दिनों अमेरिका में हैं। यहां उनका एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल की चीफ एंकर क्रिस्टिन एमनपोर के साथ इंटरव्यू होना तय था, लेकिन एंकर ने उनके सामने हिजाब पहनने से मना कर दिया और ये इंटरव्यू नहीं हो सका। अब इस बारे में एंकर क्रिस्टिन एमनपोर ने एक के बाद एक ट्वीट कर कई बातें कही हैं। वहीं ईरान में हिजाब का विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प देखने को मिली। इसमें 40 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईरान टीवी।